नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मेरे पास है वीवो का T2X 5G मोबाइल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। दोस्तों, फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करना है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आ जाने के बाद नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आपसे मिल जाएगा सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर जाना होगा। एंड इस पर जाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट प्रिंट प्लस पैटर्न पिन या पासवर्ड किसी एक पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक पैटर्न आपको डालना है, जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से वही पैटर्न आपको कन्फर्म करना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से डन आएगा, तो आपको डन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एग्री कर देना है। अब आपके जो साइड में फिंगरप्रिंट दिया गया है यहाँ पर, तो आपको इसको स्कैन करवाना है। देखिए यहाँ पर मैं फिंगर को स्कैन करवा रहा हूँ। इस तरीके से आपको भी यहाँ पर बार बार फिंगर को स्कैन करवाना है। जितना अच्छे तरीके से आप फिंगरप्रिंट को स्कैन करवाओगे, उतना ही फास्ट आपका फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पर वर्क करेगा। यानी कि फिंगर को आपको यहाँ पर जो है बार बार यहाँ पर सेटअप कराना है, और जैसे ये पहचान लेगा आपके फिंगर को, तो यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा। तो डन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो अनलॉक है वो लग चुका है। यहाँ से आप चाहो तो और भी ऑप्शन से इनेबल कर सकते हो, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन, इसको भी इनेबल कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लॉक किया और देखिए ये लॉक है, और जैसे हम फिंगर लगाएंगे तो ये ऑन हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए फिंगर लगाते ही ऑन हो रहा है, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है इसका फिंगर।